चलिए अब बात करते हैं 2024 में मोदी मैजिक से मुकाबला करने के लिए जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के अब उस पर फोकस कर रही है। लेकिन खबर ये भी मिल रही है कि जो इंडी गठबंधन के भीतर की नूरा कुश्ती जारी है और वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर। दरअसल देखिए, पीएम फेस के नाम की जब बात हो रही थी तो जेडीयू को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार का नाम सामने आएगा, नाम सामने नहीं आया। जेडीयू में नाराजगी है और जेडीयू के जो एमएलए हैं गोपाल मंडल, उन्होंने तो यहाँ तक ये तक कह दिया कि कौन खड़गे बड़गे उन्हें कोई नहीं जानता। अब इसके बाद कांग्रेस में भी खासी नाराजगी है। इंडिया गठबंधन का नाम खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं। सुना आपने, इन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तक नहीं सुना है, अब इनका परिचय भी जान लीजिए। ये हैं जेडीयू के विधायक और वरिष्ठ नेता गोपाल मंडल। एक तरफ इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग और पीएम फेस पर घमासान मचा है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर गठबंधन के अंदर जोरदार खींचतान जारी है। खबरें आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करने से नीतीश कुमार नाराज भी हो गए। अब नीतीश के पार्टी के नेता गोपाल मंडल ने यहां तक कह दिया कि कौन खड़गे फड़गे पब्लिक नहीं जानती। बात है, सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। इंडिया आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था, सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। करेंगे, पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तुम सुने हैं। जेडीयू की ओर से जब इस तरह का करारा वार किया गया तो कांग्रेस के नेता भी जोरदार प्रहार करते दिखे। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिना गठबंधन जेडीयू को चुनाव लड़ने की चुनौती तक दे दी। सूरज को ऐना मत दिखाई गोपाल बाबू, और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए, आप गठबंधन में चुनाव जीते हैं, अगर आप अकेले लड़िए, आपको समझ जनता दिखा देगी कि आप क्या जीतते हैं क्या होता है। कांग्रेस को ऐना मत दिखाइए, और मैं भी यहाँ विधायक 3 बार से हूँ, कांग्रेस की बात नहीं। नेताओं के इन बयानों से साफ है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक तय नहीं हुआ है। उसके पहले इस तरह के बयान बताते हैं कि 27 दलों के इंडी अलायंस में अभी और भी सिर्फ फुटबॉल बाकी है।